सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो मैंने ना थोड़ा बहुत ट्राई किया है ब्लॉगिंग करने का। तो आपको अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। खुश रहो। सो अभी बज चुके हैं 12:50, तो अभी हम निकल रहे हैं घर की ओर से। सो गाइस, मेरे साथ चल रहे हैं मेरे मामू और ये उस्ताद और ये दरो। सो गाइस, अभी हम पहुंचे हैं मुरबाट। यहाँ से लगभग 15-20 मिनट ही हमारा फार्म हाउस। तो गाइस, फार्म हाउस से पहले ये एक होटल है, प्रांजलि। तो यहाँ पर हम क्यों रुके हैं आपको मैं बता रहा हूँ। क्यों रुके हैं? नेचर्स कॉल, समझ जाओ। और चाय वगैरह भी पियेंगे थोड़ा, देखते हैं। तो गाइस, मैं यहाँ पर आया हूँ आइसक्रीम लेने। तो गाइस, आइसक्रीम ले ली है अमूल की, कुकी क्रंच डिलाइट। चलते हैं अभी, चाय तो नहीं पी रहे अभी, आइसक्रीम बोला। ठीक है, आइसक्रीम खाते कोई नहीं। ये हाईवे है मेन, आपको दिख रहा नहीं होगा हमारी गाड़ी। सो यहाँ से हमारा फार्म हाउस है सिर्फ 5 मिनट, तो चलते हैं। सो गाइस, ये सरल गांव है, ये हमारा नेक्स्ट गांव में फार्म हाउस है। तो इसके बाद ही आएगा हमारे पास 5 मिनट्स ही है। जो हमारा फार्म हाउस है वो गाँव का नाम है साइड, ये सरल गांव है। तो गाइस, ये अपना सरल के बाद है ये साइले गांव। यहाँ से अंदर अपना लेफ्ट में आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि बहुत अंधेरा है, देख सकते हो आप। यहाँ से बस 2 मिनट का ही है, फिर अब फाइनली हम पहुँच गए फार्म हाउस। तो हम विलेज में आ चुके हैं अंदर, घर वर बने हुए मस्त। लाइफ तो एकदम विलेज वाली होनी चाहिए, शहर से दूर। तो गाइस, हम फाइनली फार्म हाउस पहुँच चुके हैं। ये गेट है एंट्रेंस। मैं सुबह को दिखाऊंगा आपको। यहाँ से एंट्री है, ये लंडे माला थोड़ी एंट्री की थी। और विवेक कैसा है इधर? तो आ गया। और कैसा है इधर, देखते हो सही? सब अच्छा है ना? सही। तो गाइस, हम फाइनली पहुंच चुके हैं। ये पीछे फार्म हाउस है, अभी बन रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है, आप देख सकते हो। मैंने आपको बताया था ये एंट्री है, तो यहाँ से एंट्री है। सुबह को मैं आपको पूरा दिखा दूंगा क्या क्या इधर बनेगा, कैसे थोड़े टाइम के बाद सब बनने वाला है। फार्म हाउस में हमारे न्यू मेंबर्स भी है, आप देख लो। हम आए हैं, देखो ये इनको पकड़ूंगा, ये भागेंगे, इनको लगता है कि मैं इनको पकड़ रहा हूँ। सो गाइस, हम 12:50 को निकले थे घर के यहाँ से और हम फार्म हाउस पहुँच चुके हैं। अराउंड 1 to 40 मिनट्स लगे थे हमको यहाँ पहुँचने में, उल्लासनगर टू मुरबाट। और जो मुरबाट से 2 गांव हैं, सेकेंड गांव में हमारा फार्म हाउस है। Thank you.
सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। तो गाइस सब अंदर सो गए हैं और मैं ही जाग रहा हूँ, क्योंकि मुझे है ना यूट्यूब के लिए ब्लॉग शूट करना है, वो भी मेरा पहला ब्लॉग। तो मैं रात को आपको बोला मैं बताने वाला हूँ आपको, तो चलते हैं। सो गाइस यहाँ से वो एंट्री है जो मैंने रात को आपको गेट दिखाई थी, यहाँ से हम आए थे। और देखो रात को आपको कुछ नहीं दिख रहा था, अभी सुबह को देखो से लग रहा है। सो गाइस मैं आपको पूरा फार्म हाउस 2 मिनट में एक्सप्लोर कराने वाला हूँ, तो आप रेडी हैं? तो यहाँ से अपन आए थे फिर डायरेक्ट सीधा फार्म हाउस। तो ये राइट साइड, ये बाहर जो है ना पैसेज है, एकदम चाय वाय पी सकते हैं, एकदम चिल मार सकते हैं। हॉल है फिर इसके अंदर, फिर पीछे इसके किचन है और राइट साइड बाथरूम है, और जो लेफ्ट वाला है वो केयर टेकर के लिए है। गाइस यहाँ पर बनने वाला है शेड, द हाउस ऑफ काओस, और जो ये साइड है ना यहाँ पर बनेगा फ्यूचर में बंगलो। तो आपको फ्यूचर में इसकी अपडेट्स मिल जाएंगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टार्ट है और कहाँ से एंड है। जो एक ये बाउंड्री लगी हुई ना, ये पूरा स्टार्ट है यहाँ से, देखो चलते चलो। ये देखो बाउंड्री लगी हुई ना इधर, फिर शेड के पीछे वो साइड एक कोना है, इधर से ये फार्म हाउस के पीछे लगी है, और यहाँ से ये बाउंड्री चलते चलते फिर इधर एंड, वहाँ तक ख़त्म है अपना फार्म हाउस। सो गाइस फ्यूचर में बहुत कुछ करने वाले हैं, जस्ट वेट एंड वॉच। सो गाइस मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ, तो अभी मैं जा रहा हूँ सोने, फिर थोड़ी देर के बाद अपन चलेंगे सीधा मार्शल घाट, लेट्स गो। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी मैं सो के उठ चुका हूँ और टाइम हुआ है 11:30। तो अभी हम थोड़ा फ्रेश व्रेश होंगे, उसके बाद कॉफ़ी वॉफी पियेंगे, फिर अपन चलेंगे सीधा मार्शल घाट। सो गाइस किचन में कुछ गैस का इशू है, तो अभी अपन कॉफ़ी पियेंगे लकड़ियों पे, एकदम मस्त तंदूरी फीलिंग आएगी। और काका सब मजे में ना, सब मजे में ना। तो गाइस कॉफी अभी बन चुकी है और मौसम देखो एकदम ऑसम हो गया है, बस अभी 5-10 मिनट में निकलने वाले हैं मार्शल घाट के लिए। सो गाइस अभी हम फाइनली निकल रहे हैं, मुझे लग रहा है आप मेरा व्लॉग देख के बोर हो रहे हो, तो हम वहाँ पर पहुँचते हैं, तब तक आप सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय करो। तो फाइनली गाइस हम मार्शल घाट पहुंच चुके हैं, और ऊपर है पर ये एक पॉइंट है, आपको मैं दिखाता हूँ। फुल फॉग चमकता जुगनू जैसे तारे लाल, इन फिजाओं में लपक के बांधा मैंने फीता, छाप छोड़े चला मुझे किस किसने क्या क्या कहा।
से फवारा, मैं एक बादल में चलता रहा, गगन बरस पड़ा तो आवा। तो भाई इसी माशल घाट पे एक मंदिर है, यहाँ पर देखो ये 100 साल से भी पुराना मंदिर है गणपति बाप्पा का, पता नहीं सकते और भी पुराना हो। और यहाँ पर नेचुरल पानी भी आता है देखो। ये काली माता का फोटो है, ये मंदिर है ना देखो, ये इधर इधर ऊपर पहाड़ है पूरे एकदम माशल घाट पे, और ये इधर मंदिर है गाइस। ये मंदिर के यहाँ पर नेचुरल पानी आता है, हम वही भरने जा रहे हैं देखो। देखो यहाँ से ये है गाइस वो पानी जो नेचुरली पहाड़ों में से आता है। अभी हम खा रहे हैं गाइस वड़ा पाव, पर आपको भी खाना है तो आ जाओ माशल घाट। गाइस अभी हमारा भुट्टा बन रहा है, देखो कालू बेटे कारू है मेरा कारू। गाइस अपना देसी जुगाड़ हो रहा है गाइस, दारू पिता नहीं है ऐसा। उस्ताद मौसम कैसा हो गया बताओ ना। सुपर सुपर से भी अरे वाह। ये भी एक और पॉइंट है, और ये सब खाने के लिए मैगी भुट्टा ये सब जो भी हम अभी हम लोग ने खाया। गाइस निब्बाने भी बैठे हैं देखो। देखो गाइस क्या एकदम लय लगी पड़ी, एकदम फुल मचाओ। गाइस अपन दूसरे वाले झरने में पहुंच चुके हैं, लो मजा लो। उड़ कर चले कर श्वेत पवन का।
सेकेंड वाले झरने के बाद मैंने व्लॉगिंग कर दी थी बंद, क्योंकि मैं फ़ोन की चार्जिंग हो गई थी ख़त्म। अपन डायरेक्ट सीधा घर पे आए, और मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मिलते हैं फिर दूसरे व्लॉग में। तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी।